मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभी भोईसर इंडियन बैंक के पास में। इंडियन बैंक थोड़ा छोटा सा काम है, मैं जो आज ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। तो बस अभी इंडियन बैंक के पास में ही हूं, जाता हूं, छोटा सा काम है, काम कंप्लीट करता हूं और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूं। शुभ, चलिए देखते हैं। इंडियन बैंक ऊपर में है, ये साइड में। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। सो बैंक के अंदर अलाउड नहीं है, जो अपना काम कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता हूँ। मैं गया बैंक में, गया थोड़ा काम था छोटा सा, वो काम कंप्लीट हो गया है, अभी जाना है एक जगह पर, वो जाने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है? तो वेट करें। धूप बहुत कड़क है यहाँ पर, तो ठंडी लगती नहीं, लेकिन यूपी बिहार में ठंडी काफ़ी है, काफ़ी चल रही यूपी बिहार में ठंडियाँ। तो भोईसर का व्यू था, मैं हूँ अभी इंडियन बैंक के पास में था। सो मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, एक ठीक है, वेट करिए। तो छोटे से काम के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आया था, तो क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आया तो उसी काम के लिए मैं बैंक में गया हुआ था। क्रेडिट कार्ड के काम के लिए मैं बैंक में सुबह सुबह गया, क्योंकि भीड़ नहीं रहती है। तो मेरे पीछे है हर्ष हॉस्पिटल और ये साइड में है सिंधे हॉस्पिटल। ये साइड में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ये कमी नहीं है, ये रोड पर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है। ये पीछे में आनंद हॉस्पिटल भी है, बैक में जो है ना, ये बिल्डिंग पीछे की तरफ दिख रही है, वहाँ पे आनंद हॉस्पिटल भी है। आनंद हॉस्पिटल, मानव सेवा, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है ये एरिया में, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो ये एरिया लोकेशन है डी जे नगर के पास में, BRC के सामने जो प्लांट दिख रहा है ये है सियाराम, जो कि नया प्लांट बनाया सियाराम का, और काफ़ी खूबसूरत उसने अपने प्लांट को डेकोरेट किया है चारों तरफ से। भोईसर बहुत बड़ी MIDC है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी MIDC है, जो कि चारों तरफ से आपको कंपनियां ही नज़र आएगी चाहे जाए। इधर सियाराम हो गया, और ये पीछे दिख रहा है ये लोबा हो गया। लोबा का ये प्लांट बहुत बड़े में फैला हुआ है, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, सियाराम, टाटा, जिंदल, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी जो अपने प्लांट को ना बहुत अच्छा बना के रखी है, जिसे लोग देखे तो देखते रह जाते हैं। पीछे दिख रहा है ना, ये गुजरात गैस का CNG का लाइन है, जो कि लगना कहाँ मालूम है? अब सोच लीजिए, इस पाइप को, ये जो खड्डा दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा फ्रंट कैमरे से भी दिखाता हूँ आपको। मैं ये जो मोटा वाला पाइप रखा हुआ है ना, ये पाइप के द्वारा कनेक्ट होकर सीधा अंदर तक पूरा जाएगा। गुजरात गैस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल में तो काम स्लो चल रहा है पार्लम, मतलब ये लोकेशन है खाली। सोच लीजिए इतना मोटा पाइप है, छोटे बस नॉर्मल सा पाइप जो है पूरा खींच के अंदर तक लेके जाएगा। ये पूरा मटेरियल उनका पड़ा हुआ है, बस अगर काम चल ही रहा है। मशीन बड़ा हुआ रखा हुआ है, वो मशीन में मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, जब तक फिलहाल मैं अभी एक जूस पी ले। जो बैक साइड में कंपनी दिख रही है लुपिन कंपनी, ठीक है, और भोईसर की बहुत ही अच्छी और बहुत ही ट्रेंडिंग वाली कंपनी है लुपिन कंपनी। और जो पीछे दिख रहा है भंगार, ये शेयर इंडस्ट्रियल का कुछ छोटा सा प्लांट है। लुपिन का मेन गेट है, लुपिन की पार्किंग, लुपिन का मेन गेट। लुपिन काफ़ी सेफ्टी फॉलो करता है, इस वजह से जीरो एक्सीडेंट का यहाँ पे हमेशा प्रावधान है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है यहाँ पर, इतना ज़्यादा स्ट्रिक है ना, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी लुपिन में काम किया है इस वजह से। सो कितने खूबसूरत है, उसने अपने प्लांट को बना के रखा है। ये T1 प्लांट है, इसी तरह इसके पास T2 और T3 भी प्लांट है, तीन बड़े बड़े प्लांट है। और लुपिन यहाँ पर बोलते हैं ना, HIV हार्ड जैसे बड़े 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 प्रोडक्ट को रेडी करती है। लुपिन बहुत बड़ी कंपनी है, ये 132 KVA पावर सप्लाई यहाँ पर लेती है, और यहाँ पे लीलो है, मतलब लुपिन इन लुपिन आउट, जो इसका जो पावर जो सर्वर भी चलता है ना, लुपिन इन लुपिन आउट चलता है। ये सिया का प्लांट है, और इसका एक और प्लांट आइडिया नाका पे बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा प्लांट है, रेडी हो रहा है, ठीक है। और ये अपना लुपिन, ये जो आपको टावर दिख रहा है, ये 132 KVA सप्लाई का पावर सप्लाई है और चल रहा है लुपिन। क्योंकि ये सेफ्टी इतना ज़्यादा फॉलो करता है ना, सेफ्टी की वजह से यहाँ पर कहीं भी इंसिडेंट नहीं होते, कभी आपको इंसिडेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाला यहाँ पर, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसर है नीचे से ऊपर तक, वो बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी फॉलो करते हैं, क्योंकि प्लांट को तो प्रोडक्शन भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल जो लागू करता है, लुपिन सबसे पहला ही है जो वो फर्स्ट लागू कर देता है अपने प्लांट को।
टोमेटो। लुपिन का प्लांट मुझे बहुत पसंद आता है बोईसर में, बाकी और भी बहुत सारे केमिकल प्लांट है लेकिन मुझे लुपिन सबसे बेस्ट लगता है। ये जो साइकिल पे आपको दिख रहा है कि लुपिन का एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, और लुपिन काफ़ी सुंदर जो अपनी बोईसर एमआईडीसी है ना काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ी एमआईडीसी है। और पालघर से ना बहुत बेस्ट है, अगर पालघर को अगर आप 100 में से अगर 1 भी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि पालघर एमआईडीसी का आपको रास्ता भी ऐसा नहीं मिलेगा, वो रास्ता भी इतना बेकार है कि आप बोल नहीं सकते। पालघर एमआईडीसी या बोईसर एमआईडीसी का किसी गली में भी जाएंगे ना आप तो एक नंबर रास्ता, हर चीज़ एक नंबर मिलेगी। तो मैं जस्ट बस लुपिन का आपको दिखा रहा था, तो देखिए इन्जॉय करिए, देखता हूँ कुछ एक और दिखता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। अमूल का प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं ना, दो कंपनियां जो अमूल का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करती है, पहली एक तो अमूल का खुद का जो है वो सुंदरा डेयरी और दूसरी ये है वाड़ीलाल, यहाँ पे भी अमूल का प्रोडक्ट मिलता है। तो जो अभी मैं जा रहा हूँ अमूल का प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक चीज़ लेने का है, लेने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लेने के बाद आपको दिखाता हूँ। एक अमूल की लस्सी, अरे क्या आइसक्रीम, ये आइसक्रीम का नाम क्या है मालूम है, राजभोग, नाम भी कंपनी ने कितना खतरनाक दिया है, राजभोग। चलो अभी खाते हैं आराम से, उसके बाद मिलता हूँ आपको। ये है वाड़ीलाल आइसक्रीम फैक्ट्री जो बोईसर एमआईडीसी में है। भाई बोईसर एमआईडीसी में बहुत कुछ है, घूमते नहीं हो इसलिए घूमेगा तो मालूम पड़ेगा। सो खाने के बाद मिलता हूँ आपको। फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आ गया हूँ घर पर अभी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। ओके फ्रेंड बाय बाय। जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स बाय बाय, आज के लिए।